गुड़गांव के सबसे पॉश साइबर हब का रास्ता रेस्तरां, कथित तौर पर इस रेस्तरां के रिसेप्शन स्टाफ ने एक विकलांग लड़की को एंट्री देने से मना कर दिया। लड़की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि स्टाफ ने ये कहते हुए एंट्री नहीं दी कि उसका वहां होना अन्य कस्टमर्स को डिस्टर्ब कर सकता है। जिस लड़की के साथ कथित तौर पर ये सब हुआ उसका नाम सृष्टि है। सृष्टि ने इस बारे में एक लंबा ट्विटर थ्रेड लिखा। कल रात मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड और उसके परिवार के साथ रास्ता रेस्तरां का नाम गई थी। मैं बहुत दिन बाद बाहर जा रही थी। मेरी दोस्त के भाई ने रिसेप्शन पर 4 लोगों की बुकिंग के लिए पूछा। रिसेप्शन के स्टाफ ने 2 बार उनकी बात अनसुनी कर दी। तीसरी बार स्टाफ ने कहा व्हीलचेयर अंदर नहीं जाएगी। हमें लगा कि कोई एक्सेसिबिलिटी इश्यू है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने कहा कि हम मैनेज कर लेंगे, बस हमारा टेबल बुक कर दीजिए। तो उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा अंदर कस्टमर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और हमें एंट्री नहीं करने दी। उसने बहुत आसानी के साथ ये कह दिया और ये एक तथा कथित फैंसी जगह है। बहुत बहस करने के बाद उसने हमें बाहर एक टेबल दे दी। पहली बात तो ये कि बाहर की सेटिंग अच्छी नहीं थी। मुझे ठंड लग रही थी और ठंड की वजह से मेरे शरीर में ऐठन होने लगती है। और दूसरी बात कि मुझे बाहर क्यों बिठाया जा रहा है बाकी लोगों से अलग। अगर मुझे बाहर खाना होता तो मैं पहले ही उनसे ये बात बोल देती। आखिर में हमें वहां से जाने के लिए कह दिया गया। सृष्टि ने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें उसकी दोस्त का भाई रिसेप्शन स्टाफ से कह रहा है कि अब हम इस रेस्टोरेंट में कभी नहीं आएंगे। रेस्टोरेंट के फाउंडर पार्टनर गौतमेश सिंह ने सृष्टि से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। उन्होंने सृष्टि के ट्विटर थ्रेड पर रिप्लाई करते हुए लिखा, मैं इस पूरे मामले को खुद देख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आप आश्वस्त रहे कि अगर हमारे किसी भी टीम मेंबर को गलत पाया गया तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। एक्टर और फिल्म मेकर पूजा भट्ट ने सृष्टि के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। हमारे समाज में करुणा की बहुत कमी है। व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी ना होना एक बात है, लेकिन एक व्यक्ति के साथ सामान्य व्यवहार ना करना और उसे उसकी ड्यू डिग्निटी ना देना दूसरी बात है। इधर गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया और आगे की कार्यवाही के लिए सृष्टि से उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और पूरा एड्रेस मांगा है। सृष्टि ने अपने थ्रेड में ये भी लिखा, क्या मेरा होना मात्र आपके लिए एक डिस्टर्बेंस है? मुझे हर छोटी चीज के लिए लड़ना क्यों पड़ता है? एक पब्लिक प्लेस में एंट्री के लिए मुझे क्यों मना कर दिया गया? वो कौन होते हैं मुझे कहीं भी आने जाने से रोकने वाले? क्या मैं कहीं जाना ही बंद कर दूं? मैं बहुत दुखी हूं और मुझे बहुत घृणा हो रही है। इस पूरी कथित घटना पर लोगों ने रेस्तरां की खूब आलोचना की और इस तरह के व्यवहार को बेहद आपत्तिजनक बताया। ऐसी ही एक घटना पिछले साल हिंदी के लेखक नीलोत्पल मृणाल के साथ हुई थी, जब कनॉट प्लेस के एक रेस्तरां ने उनके गमछे के लिए उन्हें एंट्री नहीं दी थी। और आपको वो वाक्य तो याद ही होगा जब दिल्ली में भी साड़ी के लिए एक महिला को एंट्री नहीं दी गई थी। एक सभ्य सोफिस्टिकेटेड समाज के मानकों में जो नॉर्मल नहीं है वो डिस्टर्बिंग है। सृष्टि ने अपने थ्रेड में जो लिखा उसे पढ़िएगा, सुनिएगा और सोचिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सोम ने। मैं हूं गरिमा, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।